हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे करंट अफेयर के सेशन में। तो 8 मार्च से लेके 14 मार्च तक जितने भी इंपॉर्टेंट आपका इवेंट हुए हैं, चाहे इंडिया रहे चाहे इंटरनेशनल रहे, तो सारा एज वन लाइनर मैं लेकर आया हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर वीकली जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेगा आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आगे बढ़ के देखते हैं। तो इस लास्ट 2 वीक में 3 चीज़ इंपॉर्टेंट हुआ है। एक होली गुजरा है, होली के बाद आपका कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला गया है और आपका यस बैंक डूब गया है। तो स्टार्ट करते हैं यस बैंक से। तो इसमें क्वेश्चन पहला क्या है, पॉइंट फाउंडर ऑफ यस बैंक। तो यस बैंक के फाउंडर कौन है, तो वो है राणा कपूर। और आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि यस बैंक के सीईओ कौन है, तो वो है रवनीत गिल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या बनाया है। उन्होंने बनाया है वुमेन बटालियन। जिस तरह होते हैं ना मेन बटालियन स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स के अंदर, उसी तरह महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फिर से नया बनाया है वुमेन बटालियन, ताकि वो लोग प्रमोट कर सकें जेंडर इक्वलिटी को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर। आपको पता है कि सऊदी अरबिया पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा आर्म को इम्पोर्ट करता है, लेकिन सऊदी अरबिया के बाद इंडिया आपका कंट्री है जो सबसे ज़्यादा आर्म को इम्पोर्ट करता है। आगे देखते हैं हम लोग, गुजरात ने टॉप किया है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ डोमेस्टिक सोलर रूफ टॉप। मतलब कि अपने छत के ऊपर डोमेस्टिक काम को लेके उसके ऊपर आपका सोलर पैनल को इंस्टॉल किया है। तो इसमें टॉप किसने किया है, तो गुजरात ने किया है। पंजाब गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है ताकि वो लोग फाइट कर सके कोरोना वायरस से, वो लोग बच सकें। उस ऐप का नाम किया है, तो वो है कोवा पंजाब नाम का ऐप है। आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान। इसके अलावा उसमें अम्मा नाम का भी आपका स्कीम लॉन्च हुआ है आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। तो पोषण अभियान में क्या होता है, आपका जो होती है प्रेग्नेंट वुमेन, तो उसका खाने के लिए भी, उसका मेडिसिन, तो सब कुछ आंध्र का गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। जगन मोहन रेड्डी वहाँ के अभी सीएम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट क्या है कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हंस राज जो पासेज अभी, जो अब उस दुनिया में नहीं रहे, कौन नाम क्या है इनका, हंस राज। आगे देखते हैं हम लोग, इंटरनेशनल वुमेन डे ये कब मनाया गया, ये मनाया गया आपका 8 मार्च को। और इस बार इसका थीम क्या है, आई एम जेनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स फाइट। आपको ये पूछे नहीं पूछे वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, लेकिन उसका थीम इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग थीम याद कर लें। आगे देखते हैं हम लोग, इंडिया ऑब्जर्व जन औषधि दिवस ये कब मनाया गया है, ये मनाया गया आपका 7 मार्च को। और 15 वुमेन को आपको उनको इनाम मिला है, क्या मिला है, नारी शक्ति पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार दिया किसने है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिए रामनाथ कोविंद। और कितने वुमेन को मिला है, वो मिला आपको 15 वुमेन को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, गवर्नमेंट इन वाइट बिड, मतलब कि जो अपना इंडियन गवर्नमेंट है वो आपका भारत पेट्रोलियम बेच रहे हैं। कितना परसेंट उनका स्टेक था, इनका स्टेक था 52.98%। और ये सारे के सारे स्टेक को बेचने वाला है, बेच रहे हैं। तो आप लोग अगर पैसे है तो आप जो खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोविड 19 को क्या बन गया, वो पैंडेमिक बन गया है। एक होता है एपिडेमिक महामारी जो फैलता रहता है, और एक होता है पैंडेमिक। पैंडेमिक एक महामारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा बीमारी है जो कि फैल रहा है, लेकिन उसका इलाज अब तक हम लोग पास नहीं है, जिसका इलाज नहीं है वो पैंडेमिक है। और ऐसा बीमारी जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है उसको कहते हैं इंडेमिक। तो ये पूछ सकते हैं WHO होगा आपका हेड कौन है, प्रेसिडेंट, तो वो टेड्रोस नाम का इंसान है जो कि प्रेसिडेंट है अभी WHO का। आपको ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। इसरो ने शॉर्टलिस्ट किया आपका 368 स्टूडेंट को, 358 इंडिया का है और 10 स्टूडेंट आपका इंडिया के बाहर का है, अंडर युविका प्रोग्राम। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि युविका प्रोग्राम ये किसका प्रोग्राम है, इसरो का है, वेल का है, आपका DRDO का है। तो आपको याद रखना है कि प्रोग्राम इसरो का प्रोग्राम है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। अपना जो हैल है, क्या नाम है इसका, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, वो अपना 4 नया बेस बनाने वाला है। कहाँ का, उनका बेस बनेगा मलेशिया में, श्रीलंका में, वियतनाम में और इंडोनेशिया में। अगर देखिए, अगर बाहर कंट्री में बेस बनेगा ना, तो उस कंट्री में इसका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा इंडिया का। इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इंडिया का पैसा ज़्यादा फायदा होगा, इसीलिए वो 4 जगह सेटअप कर रहे हैं हैल का। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिलोन ये क्या बन गए, ये नए बन गए डायरेक्टर जनरल डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का डायरेक्टर बन गए। उसके अलावा ये बने हैं डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। तो पूछ सकता है ये तीनों को, ये दोनों के हेड कौन है, चाहे वो डायरेक्टर जनरल डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी रहे या फिर डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ रहे, दोनों के हेड कौन है, वो है KJS ढिलोन साहब। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक 3 दिन का लॉन्ग होता है फेस्टिवल, उसका नाम क्या है, होला मोहल्ला। ये मनाया कहाँ जाता है, रूपनगर नाम का डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के अंदर, जहाँ मनाया जाता है होला मोहल्ला नाम का फेस्टिवल। टोटल FDI
FDI क्या होता है, जो बाहर कंट्री से लोग यहाँ इन्वेस्ट करते हैं ना इंडिया में, उसको FDI कहते हैं। इस बार जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ना वो 62 बिलियन US डॉलर हुआ है 2018-19 के हिसाब से। अब तक का सबसे मैक्सिमम FDI इस बार इंडिया में इन्वेस्ट हुआ है कितना है, 62 बिलियन US डॉलर, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस बार जो सैरिक्स 2020 का जो होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, वो होने वाला है गोवा में, आपको याद रखना है कि सैरिक्स 2020 कहाँ होने वाला है, गोवा में होने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, CFO ऑफ SBI, इस बार SBI का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है, तो वो बनाया गया है चलसनी वेंकट नागेश्वर जी को बनाया गया है CFO ऑफ SBI। आगे बढ़ते हैं, शादी भाग्य स्कीम, ये भाग्य स्कीम नहीं है, भाग्य स्कीम है। तो शादी भाग्य स्कीम कहाँ की स्कीम है, ये कर्नाटका का ये एक स्कीम है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, SBI गोइंग टू इन्वेस्ट 7,250 करोड़, SBI इन्वेस्ट करने वाला है, और इन्वेस्ट करने के बाद वो 49% स्टेक खरीदने वाला है यस बैंक का। आपको पता है यस बैंक डूब रहा है, तो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, SBI को बोला उसको खरीद लो, तो SBI ने पूरा नहीं खरीदा है, 49% उसका स्टेक खरीदा है, और कितने में खरीदा है, 7,250 करोड़ दे के खरीदा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, वर्ल्ड एथलीट फाइन $10 मिलियन, जो अपना जो वर्ल्ड एथलीट आपको जो है उन्होंने 10 मिलियन का फाइन मारा है रशिया पे, क्योंकि आपको पता है रशिया में डोपिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो जो होते हैं नाडा वाडा, तो उन्होंने मारा है, आपका फाइन मारा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जय बंगला टू बी नेशनल स्लोगन ऑफ बांग्लादेश, आपको तो जय बंगला है वो बांग्लादेश का नेशनल स्लोगन बन चुका है, वहाँ का अभी बन चुका है रिसेंटली। आगे बढ़ते हैं, महाराजा रंजीत सिंह, इनको क्या मिला, इनको मिला है ग्रेटेस्ट वर्ल्ड लीडर इन BBC पोल में, इनको मिला है, इनका नाम आया गया है, जो नाम क्या है इनका याद रखना है आपको कि BBC वर्ल्ड लीडर का खिताब किनको मिला है, तो ये खिताब मिला है महाराजा रंजीत सिंह को। वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखिए, ये 12 मार्च को मनाया जाता है, और इस बार का थीम क्या है, किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन। जितना इंपॉर्टेंट डेट है ना वो याद रखना है आपको, उसके अलावा आपको थीम जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप थीम जरूर याद रखें। आगे बढ़ते हम लोग, वर्ल्ड बैंक विल प्रोवाइड $80 मिलियन, वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करने वाला है किसको, हिमाचल प्रदेश को, किस लिए, टू इम्प्रूव वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपका हिमाचल प्रदेश में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 80 मिलियन का लोन दिया है। आगे बढ़ते हम लोग, SBI बैंक ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू वेव मेंटेनेंस ऑफ एवरेज मंथली बैलेंस फॉर द ऑल सेविंग, मतलब क्या है इसका, जो पहले आपको था ना कि SBI का रूल था 1,000 रुपया कम से कम अकाउंट में रखना, 1,000 कहीं अगर आपका रूरल एरिया तो 1,000, अर्बन एरिया 2,000, तो जितना भी वो था ना रखने वाला मेंटेनेंस, मतलब मिनिमम मेंटेनेंस था उसको ख़त्म कर दिया है, SBI आपको फाइन नहीं मारेगा इसके, और उसके अलावा जो इसमें चार्ज कटा था आपका, इसमें का चार्ज भी आपसे नहीं कटेगा SBI बैंक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। PM मोदी ने क्या किया है, उन्होंने SAARC का मीटिंग बुलाया है ताकि वो लोग बात कर सकें COVID-19 के बारे में। आपको ये याद रखना है कि PM मोदी ने बात करने के लिए COVID-19 के बात करने के लिए किसका मीटिंग बुलाया है, तो SAARC का मीटिंग बुलाया है। SAARC है, विमसेट है, आपका IMO है, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस बार SAARC बुलाया गया है। ICICI बैंक देखिए, आपको पता है यस बैंक डूब रहा है, तो SBI के अलावा 4 और बैंक है, ICICI बैंक है, कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है, और HDFC बैंक है, ये सब बैंक कुछ ना कुछ स्टेक खरीद रहे हैं ताकि यस बैंक पूरी तरह डूब न जाए। कुछ ने 1,000 करोड़ दिया, कुछ ने 700 करोड़ दिया है, अब आई थिंक ICICI ने 1,000 करोड़ दिया यस बैंक को, तो इस तरह समथिंग कुछ ना कुछ दे रहे हैं ताकि यस बैंक डूब ना जाए। और विंग्स इंडिया 2020 कहाँ स्टार्ट हुआ है, वो आपको हैदराबाद में स्टार्ट हुआ है, उसका नाम क्या है, विंग्स इंडिया 2020। IIT मंडी को पता है, IIT मंडी को 7.25 करोड़ दिया गया है, किस काम के लिए, ताकि वो इनोवेशन हब बन जाए। आपको पता है IIT मंडी कहाँ, हिमाचल प्रदेश में IIT मंडी है। एड ग्लोबल नामी कंपनी है इंडिया की, एड ग्लोबल 360, तो कंपनी को खरीदने कौन वाला है, आपका जापान का हाकू होड़ो नामी कंपनी है, ये भी आपका एडवर्टाइज कराता है, तो ये कंपनी इंडिया की एड ग्लोबल कंपनी को खरीदने वाली है, एड ग्लोबल 360। आगे देखते हैं हम लोग, इंडिया ने 600 किलो टन राइस भेजा है, कहाँ भेजा है, मडागास्कर में, वहाँ आ चुका था फ्लड, तो उस फ्लड के बाद इंडिया ने क्या भेजा है, तो याद रखना आपको 600 टन राइस भेजा है। आगे बढ़ते हैं, इस हफ्ते में न्यूज़ थोड़ा कम है, तो आप देखते हैं स्पोर्ट न्यूज़ के बारे में। ऑस्ट्रेलियन 1T20 वर्ल्ड कप, आपको पता है फाइनल मैच में इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, इंडिया ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था अब तक के, लेकिन लास्ट मैच में अनफॉर्चुनेटली इंडिया हार चुका है, तो जीता किसने था, ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत चुका है T20 वर्ल्ड कप वुमेन का।
फेडरेशन कप बिलोंग्स टू टेनिस, आपको याद रखना है, जिस तरह फेडरेशन कप बिलोंग्स टू टेनिस इन फीमेल, आपको पता है ना डेविस कप होता है मेल में होता है, तो इसका वैल्यू उतना ही है फीमेल के हिसाब से, तो वो कौन है फेडरेशन कप है उस आपका उस फीमेल की फीमेल कैटेगरी के अंदर। क्रिकेट वर्ल्ड कप ओवर 50 ईयर ऑफ एज प्लेयर स्टार्टेड इन साउथ अफ्रीका, मतलब कि जो इनका एज 50 साल ज़्यादा है वो लोग ये गेम खेलना चाह रहे क्रिकेट, और जो वो वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, वो होने वाला है आपका साउथ अफ्रीका के अंदर। अब याद रखना कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है, बीबीसी इंडिया को मिला है, ये नाम इंपॉर्टेंट आपका है। और बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, वो मिला आपके पीटी ईश्वर जी को मिला है। आज देखते हैं आज का लास्ट चार पाँच आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हुआ है, आपका एंड्रे स्क्रेमिडी रिटायर्ड फ्रॉम फुटबॉल, आप वही बहुत बड़े आपका प्लेयर है, आपका नाम क्या है एंड्रे, ये फुटबॉल से रिटायरमेंट ले चुके हैं। आपको पता है ना दुनिया में जितने बड़े प्लेयर हैं उन सब की मूर्ति बनी हुई है कहाँ, हॉल ऑफ फेम के अंदर। तो इस बार टाइगर वुड, इस बार किनका नाम सजेस्ट किया गया है, टाइगर वुड का नाम सजेस्ट किया गया है ताकि उनको भी हॉल ऑफ फेम के अंदर इंक्लूड किया जाए। मोहन भगत नाम के प्लेयर हैं, उन्होंने जीता है आई लीग टाइटल, फुटबॉल में मैच होता है तो उस मैच में जीता है इन्होंने आई लीग टाइटल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सौराष्ट्र हैज़ वॉन रणजी ट्रॉफी, आपको पता है कि इंडियन क्रिकेट के अंदर सबसे बड़ा ट्रॉफी कौन सा होता है, रणजी ट्रॉफी होता है, और 2019-20 के लिए किसने जीता है, सौराष्ट्र नाम के आपके टीम है जो कि गुजरात के अंदर है, गुजरात का दो टीम है, गुजरात नाम है एक नाम है सौराष्ट्र, तो सौराष्ट्र ने जीत गया आपका रणजी ट्रॉफी। तो इस बार क्वेश्चन कम है, मतलब न्यूज़ कम है इस हफ्ते के लिए, क्योंकि आपको पता है इतना कोरोना वायरस और होली की वजह से न्यूज़ कम रहा है, तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है मैंने सबको आपको सामने रख दिया है, आप एक काम करें इस पूरे को पढ़ लें, और भी आपको इस तरह का न्यूज़ मिलता रहे वीकली, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।